Assalamu alaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Today our topic is Simple Harmonic Motion and Waves, 10th class, chapter number 1, topic 1.1. ये 10th class की हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर हम पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे. तो हमारा 10th class का पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. पहला टॉपिक क्या है, पहला चैप्टर के नेम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि ये चैप्टर जो है वो क्या है. इसके अंदर जो इनिशियल है, पहला टॉपिक है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ वेव्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे आज. तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन बताने से पहले मैं आपको वाइब्रेटरी मोशन बताऊंगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, क्योंकि जब तक हम वाइब्रेटरी मोशन को नहीं समझेंगे हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की समझ नहीं आएगी. तो अब बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन की. तो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या है, कैसी है. तो द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, यानी कि अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द की जो मोशन होती है उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. अब वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द, अब इसकी एग्जांपल कैसे है, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसा कि आपने स्विंग झूला देखा हुआ होगा. अब झूले में एक जब बॉडी रेस्ट में होती है तो वो मीन पोजीशन पर होती है, यानी कि एक दरमियानी जगह पर होती है, ठीक है. जैसे ही हम उस बॉडी को खींच के एक्सट्रीम यानी कि किसी ऊंची जगह पर ले जाते हैं तो फिर वहां जाके छोड़ते हैं तो फिर वो दोबारा उसी दरमियानी जगह से गुजरती हुई आगे की तरफ जाती है और फिर वापसी उसी दरमियानी जगह से गुजरती हुई और आगे चली जाती है. यानी वो अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द और गिर्द यानी के आगे पीछे यानी के हरकत करती है. अब यानी कि अब जो दरमियानी मीन कहते हैं दरमियानी को, अब दरमियानी पोजीशन से आगे पीछे मोशन जो होती है या उसके गिर्द यानी कि उस सेंट्रल पोजीशन के इर्द गिर्द जो मोशन होती है उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है. अब वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम हम इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं. इसी तरह हम इसको बैक एंड फोर्थ मोशन भी कह सकते हैं, यानी कि पीछे और आगे, पीछे और आगे, इस तरह. अब मैंने इन वाइब्रेटरी मोशन की तीन तरह की डेफिनेशंस लिखी हैं और इन तीनों तरह की डेफिनेशंस में ये चीज वाज़े हो रही है कि जो बॉडी है वो अपनी एक दरमियानी जगह से इर्द गिर्द हरकत करती है. अब मिसाल मैंने झूले की दी है, स्विंग की, कि अगर जो स्विंग है, झूला है, उसमें बच्चा अगर जो बैठा है तो वो रेस्ट पर होगा तो पोजिशन ओ पर होगा, मीन पर यानी वस्ती पोजीशन पर. अब जब उसको हम हरकत दे के ले जाएंगे उसको झूला देने के लिए, तो वो जब वो ए पोजीशन पर जाएगा, हमने उसकी वस्ती पोजीशन से दूर ले गए, जब हम उसको वस्ती पोजीशन से दूर ले गए वहां जाके छोड़ा तो वो वापसी आएगा और ओ पर नहीं ठहरेगा बल्कि बी पर चला जाएगा. इसी तरह वो ए और बी में हरकत करेगा, यानी ओ से ए जाएगा और ए से दोबारा बी जाएगा और बी से वापसी फिर ओ से होता हुआ ए, यानी कि वो ए ओ के इर्द गिर्द, ठीक है, वो हरकत कर रहा है. तो अब ओ से ए और फिर ओ से बी, तो इस तरह की जो हरकत है इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. अब इसी तरह ये पेंडुलम मैंने दिखाया हुआ है कि एक बोब है वो हमने रस्सी से बांधी हुई है, उसको भी ए पोजीशन पर ले गए, छोड़ा तो दोबारा उसने भी उसी तरह यानी ओ मेन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करना शुरू कर दिया. तो ये हैं वाइब्रेटरी मोशन.
और वाइब्रेटरी मोशन को हम ओसिलेशन भी कहते हैं। अब इसकी मैं सादा सी मिसाल यूं भी देता होता हूं कि शादी ब्याह के मौके पर जाएं हम देखें कि यानी कि जो देगें पड़ी होती हैं या जो खाना पड़ा होता है वो एक जगह पर पड़ा होता है और जो पंडाल होता है वो साइड पे लगाया हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि लोग लाइन बना के ठहर जाते हैं, ठीक है। अब दरमियान में इस तरह लाइनें बनाई हुई होती हैं, फिर वो जब वो लाइन बनाते हैं तो खाना जब वो एक जगह से लेते हैं तो वो एक बंदा खाना लेता है, ठीक है, वो इस तरह अगले बंदे को देता है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर इधर से इधर पीछे हटा थोड़ा सा, यहाँ से खाना लिया, ठीक है, फिर अपनी मेन पोजीशन से होता हुआ आगे थोड़ा सा हुआ और अगले बंदे को डिलीवर किया। अब इस तरह क्या हो रहा है, खाना आगे ट्रेवल कर रहा है लेकिन वो बंदे जो हैं वो वाइब्रेट करते हुए इधर से पकड़ के उधर दे रहे हैं, यानी कि थोड़ा पीछे हटते हैं खाना लेने के लिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरे बंदे को देने के लिए। तो वो फिर ये क्या होती है, समझ लें कि वाइब्रेटरी मोशन होती है, समझ लें कि वाइब्रेटरी होती है। तो वाइब्रेटरी तो हमारी जिंदगी में आसान है और बहुत ही कॉमन है। हमारा मोबाइल आप देख लें वाइब्रेट कर रहा होता है, थर थरा रहा होता है, यानी एक जगह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यूं सरफेस उसकी होती है, अप एंड डाउन होती है। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं, मैं अगर समझाने लग जाऊं तो काफी देर हो जाएगी कि, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वाइब्रेटरी मोशन जो होती है ये टू एंड फ्रो मोशन होती है, बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, या हम इसको कह सकते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, कि अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन होती है। तो ये तो थी ना वाइब्रेटरी मोशन। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन या हम ओसिलेशन कह सकते हैं, उसी की ही एक किस्म है, लेकिन ये एक खास किस्म है, ये वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म है। अब वो खास किस्म कैसी है, अभी हम फिलहाल तो यही समझेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन की ही एक काइंड है, यानी अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, यहां आएगा और, ठीक है, अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम क्या, ऐसी खासियत क्या है, यानी जो स्पेशल काइंड है, यानी हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होगी, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन हो। तो वाइब्रेटरी मोशन के लिए तो जरूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक हो, लेकिन सिंपल हार्मोनिक होगी तो वो वाइब्रेटरी लाजमी होगी। तो अब इसकी खास क्या है, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये वाइब्रेटरी की खास है, तो खास क्यों है, तो इसके अंदर दो पॉइंट है, वो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, बाकी जो डिटेल है इनकी वो हम आगे लेक्चर्स में सीखेंगे, डिटेल के अंदर अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, लेकिन ये खास वाइब्रेटरी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये होता है कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बॉडी बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मूव करती है तो जाहिर है उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है, जहर फोर्स के बगैर तो कोई बॉडी मूव नहीं करती। आपको ये पता है अच्छी तरह कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो इट मींस उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है। अब यहां बात समझने की ये है कि यहां पे जो नेट फोर्स होगी वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट कवर के की जो मैग्नीट्यूड होगी डिस्प्लेसमेंट की वो फोर्स की मैग्नीट्यूड के क्या होगी, बराबर होगी। मैं इधर एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, जैसे ये है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है।
अब एग्जांपल में मैं ये देखता हूँ कि ये जो फोर्स है, ठीक है, अब ये फोर्स जो है, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर बॉडी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स भी जीरो है, यानी यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट पर। जब बॉडी रेस्ट पर है फोर्स जीरो है, लेकिन जब बॉडी यानी इस मास को जब हम क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, खींचते हैं एक ही तरफ, अब इस वक्त इसके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ एक्स। जब ये एक्स कवर हुआ, इसका मतलब अब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, अब इसके अंदर फोर्स पैदा हुई, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जैसे कहते हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसके अंदर क्या आई, फोर्स आई। अब यहां पे बात समझने की ये है कि जितना ये डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही फोर्स होगी, ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा मीन से एक्सट्रीम की तरफ उतनी ही फोर्स होगी, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पोजीशन। पहली बात समझ आ गई कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बात तो समझ आ गई कि जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतनी ही फोर्स पैदा हो रही है। दूसरी बात, बेशक वो डिस्प्लेसमेंट देखें इधर हो रहा है या यहां पे देखें इस कंडीशन में, तो डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो तब भी फोर्स उतनी है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को मैंने एक साथ मेंशन किया है, ये देखें, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहे जो भी कंडीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पहली बात तो समझ में आती है कि यहां जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो वाइब्रेटरी मोशन है, ये एक ऐसी है जिसके अंदर फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से बढ़ाते हैं तो उसके अंदर नेट फोर्स भी बढ़ती है। ये तो बात समझ आ गई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई आम वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है जिसके अंदर जो नेट फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके डिस्प्लेसमेंट के। पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, कि अब जो ये जो नेट फोर्स होगी वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। अब मैंने यहां पे वाजे किया हुआ है कि अब यहां देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर इधर हो रहा है तब भी फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अगर यूं हो रहा है तब भी फोर्स इसी डायरेक्शन में है। अब फोर्स का एरो देख सकते हैं, ये बीच वाली लाइन में है और बीच वाली लाइन ओ है, यानी मेन पोजीशन है। अब यहां बॉडी यहां मूव कर रही है तब भी फोर्स की डायरेक्शन इधर ही है, बॉडी यहां मूव कर रही है तब भी, यानी राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड जिस डायरेक्शन में भी बॉडी मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में भी हो रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो दोनों सिचुएशन में क्या है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजिशन, वो हमेशा मेन पोजिशन की तरफ है। तो ये दो बातें हैं, यानी कि ये इतना तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए कि ये स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये दो पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं और ये दो पॉइंट्स इसमें मस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल काइंड है, इसमें दो पॉइंट्स हैं। अब जिस मोशन में ये दो पॉइंट्स लागू होंगे वो कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक होगी। अब मैं इसमें एग्जांपल्स देता हूं, आपकी बुक में भी 10th क्लास में मेंशन है कि पहले है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब ये हमने एक सरफेस ली फ्रिक्शनलेस, इसके ऊपर हमने मास लिया अटैच विद अ स्प्रिंग। अच्छा जी, अब इसकी मोशन भी समझ ले, डिटेल में तो हम बाद में समझेंगे, जस्ट अभी मोशन बता रहा हूं कि इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसे है कि अब मीन पर जीरो है, अब मैंने आपको वाजे किया एक्स जीरो है, मीन जीरो है, बॉडी रेस्ट में है, फोर्स जीरो है, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ फोर्स आ गई, जो किस तरफ है, मीन की तरफ, इधर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तब भी फोर्स है जो किधर है,
मेन की तरफ, यानी जो कंडीशन या ये दो पॉइंट्स हैं वो दो पॉइंट्स इस पे लागू हो रहे हैं। इसका मतलब जो स्प्रिंग की जो मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मजीद वजाहत हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। दूसरी है मोशन ऑफ बॉल प्लेस इन द बाउल। ये मैंने ड्रा कर दी है कि एक बॉल है वो बाउल के अंदर क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अब मीन उसकी ये है ओ, अब वो ओ से जा रही है, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, ये देखें ये वाला रेड वाला एरो, और ये वापसी फोर्स मीन की तरफ ही है, चाहे डिस्प्लेसमेंट ए की तरफ हो रहा है, यहाँ बी की तरफ हो रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो ओ की तरफ ही है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तब भी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तब भी फोर्स मेन की तरफ है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही फोर्स मैग्नीट्यूड होगी। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसकी हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं। तीसरा उसने कहा है वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। ये मैंने आपको पहले वहां पे बना के दिखाई दी है कि एक स्ट्रिंग से बंधी हुई मैस है, बॉब है, और वो क्या कर रही है, वो भी अपनी वाइब्रेटरी मोशन कर रही है, और इस तरह कर रही है कि वो भी इन दो पॉइंट्स पर लागू होती है, इसमें भी ये दो पॉइंट्स आते हैं। तो ये मुख्तसर सा खुलासा था हमारा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ठीक है। तो अभी हमने चैप्टर का जो है, पूरा चैप्टर है उसका एक हिस्सा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा वेव्स है। वेव्स इंशाल्लाह हम बाद में समझेंगे, अभी हम एक हिस्सा सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हम स्टडी करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाइब्रेटरी मोशन का पता होना चाहिए,